मैंने 2016 में पंचायत इलेक्शन लड़े, मैं आज महिला पंच हूँ। पहले हमारा बहुत कम टीकाकरण, कोई नहीं जानता था टीकाकरण होता क्या है, कोई नहीं जानता था डिलीवरी होती क्या है, मैं भी खुद भी नहीं जानती थी। हमें घर में से लिखकरण भी नहीं देते थे घर वाले, बोले कहाँ डोलेगी मीटिंग वीटिंग में, कहाँ की ट्रेनिंग है। उनकी बदलाव यो आया जब यो औरत पहले कुछ नहीं जानती थी और अब यो बाहर लिखकर कर इतनी जानकारी ला रही है तो कुछ बढ़िया ही काम है। तो सबसे पहले अंतर या तो कोई दिक्कत ना हो, आज सारी औरतन को और सारी बहनन को और माता बहनन को मैं समझाती हूँ, मेरी बात भी मानती हैं, पंजीकरण की कापी भी बनवाई हैं, लाडली के फार्म भी भरवाए हैं, उनको बॉन्ड भी दिवाए हैं और आज हमारी बेटी और आपकी बेटी की योजना चल रही है उसके भी फार्म भरवाए हैं। जब से हमारी ये दीदी लगी हैं तो इन्हें बताया कि डिलीवरी हॉस्पिटल में करनी चाहिए, बच्चा भी सुरक्षित रहेगा और माँ भी। जैसे टीकाकरण लगवाते हो, टीकाकरण लगवाना चाहिए, बीमारी से बचते हैं। जैसे पोलिया से विकलांग होते थे बच्चे पहले, अब विकलांग नहीं होते हैं ज़्यादा, हॉस्पिटल में करवाते हैं डिलीवरी तो विकलांग नहीं होते ज़्यादातर। जब घर में डिलीवरी होती थी जब सर खून भी छूटते थे और महामारी की बीमारी होती थी, वैसे भी बचाव अब ज़्यादा होते हैं। मैं एक साधारण महिला थी, पहले मैं कुछ नहीं जानती थी। मैंने एक 2011 में ट्रेनिंग ली टाइकल फाउंडेशन की, आज एक ऐसी महिला हूँ। मैंने अपना गांव भी जागरूक करा और अपना काम भी करा, अपनी महिला भी सशक्तिकरण करी।